नमस्ते, आप देख रहे हैं द न्यूज 9X। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही वनडे सीरीज अचानक यू टर्न ले लिया है। भारत ने दूसरा वनडे मैच जीतकर ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। अब तीसरा और आखिरी मुकाबला निर्णायक होने वाला है। जो भी टीम ये मैच खेलेगी वो सीरीज पर कब्जा जमा लेगी। आपको बता दें कि बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में दोनों टीमें आमने सामने होंगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये कड़ो या मरो का मुकाबला है, लिहाजा रविवार के दिन एक हाई वोल्टेज मैच दर्शकों को देखने को जरूर मिलेगा। वैसे भी बेंगलुरु में जब भी मैच होता है तो रनों की खूब बरसात होती है। पिछली बार जब इस मैदान में मुकाबला खेला गया था तो ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 21 रनों से हरा दिया था। डेविड वार्नर का बल्ला भी इस मैदान में खूब चला है। उन्होंने इस मुकाबले में 124 रन धुआंधार पारी खेली थी, जबकि आर उन पिच ने 94 रन बनाए थे। पहले विकेट के लिए ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज ने भारत के खिलाफ 231 रन जोड़े थे, तो बल्लेबाज के लिए स्वर्ग है। छोटा ग्राउंड है, चौके छक्के की बारिश दर्शकों को खूब देखने को मिलेगी। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम और चेज करने वाली टीम का रिकॉर्ड मैदान में लगभग बराबर ही है। टॉस अहम हो सकता है अगर कोच की समस्या हो तो। हालांकि टॉस जीतकर चेज करने का प्रयास कप्तान कोहली जरूर करेंगे, क्योंकि ये कोहली का दूसरा होम ग्राउंड भी है। आरसीबी के लिए सालों से कोहली खेलते रहे हैं, परिस्थितियों से वाकिफ हैं, इसलिए कोहली को स्ट्रेटजी बनाने में समस्या नहीं होगी। इन कॉम्बिनेशन को लेकर कोहली और कोहली की कंपनी जरूर काम करेगी। बहरहाल क्रिकेट के हर एक अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे। अगर आप हमारा वीडियो यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। शुक्रिया।